हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और मज़े में रहेंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित गायकवाड़ एरोंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एरोंस की तरफ से 12 इंच स्पीकर, जिसका मॉडल नंबर है MB12N351। लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और इस प्रोडक्ट का लाइव डेमो भी देने वाले हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप ये मिस करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए हम MB12N351 इस स्पीकर के बारे में जानते हैं। ये 12 इंच नियोडिम मैग्नेट स्पीकर है। ये स्पीकर आप प्योर मिड के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइनरीज और बुलेट टॉप्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइव साउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, डीजे के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस स्पीकर की RMX पावर 650 वाट है। वॉइस कॉइल 3.4 इंचीज है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 50 हर्ट्ज से लेके 2500 हर्ट्ज से। इसकी सेंसिटिविटी 98 dB है और इसका इम्पीडेंस जो है 8 ओम से। और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। तो आइए हम MB12N351 इस स्पीकर को अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आइए अभी हम MB12N351 इस स्पीकर को अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी ये मैं बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे स्पीकर को जो है बक्से से ओपन किया है। आप देख सकते हैं बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहले आपको इसके ऊपर कार्टन पैकिंग आएंगे, कुछ इस तरह से है। ये जो है कार्टन पैकिंग है। कार्टन पैकिंग ओपन करने के बाद आपको इस स्पीकर की स्पेसिफिकेशन शीट मिलेगी, कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा है, एरोंस का ब्रांडिंग लोगो है और यहाँ पे लिखा है एरोंस स्पीकर करके। और ये पूरे स्पीकर के बारे में स्पेसिफिकेशन है जो आप इस पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है ये स्पीकर। आप स्पीकर देख सकते हैं पूरे प्लास्टिक के पन्नी में, यानी कि प्लास्टिक की कैरी बैग में पैक है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्ट में जैसे बारिश हो या उसमें भीगे ना, तो सेफ्टी के हिसाब से दिया हुआ है। कुछ इस तरह से पैक किया हुआ है। मैं आपको बैक साइड भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे प्लास्टिक के थैली में पैक है। और पैकिंग के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको। आप देख सकते हैं कि बक्से में कर्टन पैकिंग है। एग्जैक्ट बॉक्स टाइप में स्पीकर के साइज का काटा हुआ बीच में सर्कल है, यानी आपका प्रोडक्ट जो है ट्रांसपोर्ट में डैमेज ना हो, इसके लिए पूरे सेफ्टी के साथ दिया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से पैकिंग की गई है। और कर्टन पैकिंग के अंदर भी एक सर्कल राउंड शेप में एक जो है कर्टन काटा गया है आपके प्रोडक्ट के सेफ्टी के हिसाब से। कुछ इस तरह से आपको पैकिंग दी गई है। अभी हम जो आपको दिखा रहे हैं वो MB12N351 इस स्पीकर की बैक साइड है। बैक साइड में सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे ये जो स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर के ऊपर स्पीकर का मॉडल नंबर दिया गया है MB12N351। यहाँ पे एरोंस का ब्रांडिंग लोगो है। ब्रांडिंग लोगो के बाद आप नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इस स्पीकर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस इन्फॉर्मेशन को आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको स्पीकर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये ऊपर की तरफ जो ये मैग्नेट है, ये नियोडियम मैग्नेट है और इस नियोडियम मैग्नेट का ग्रेड जो है N42SH है। मैग्नेट की साइज जो है 85 mm है और हाइट जो है 8 mm है, यानी कि 8 mm है। ऊपर की तरफ आप ये देख रहे हैं ये होल्स दिए गया है, स्पीकर को कूल यानी ठंडा रखने में मदद करते हैं। अभी हम आते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये बास्केट जो है बहुत अच्छी तरीके से और मजबूती से डिज़ाइन किया गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से बास्केट जो है डिज़ाइन किया गया है। अभी हम आते हैं टर्मिनल्स की तरफ। ये टर्मिनल्स है, आप टर्मिनल्स देख सकते हैं कलर कोडिंग के साथ दिए गए हैं। वो इसके लिए क्योंकि जब भी आप स्पीकर की वायर कनेक्शन करेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो। एक खास बात है इस टर्मिनल्स की, ये देखिए, या इसे आप प्रेस करेंगे एक बार तो ये नीचे की तरफ चले जाएंगे। स्पीकर वायर कनेक्ट करते वक्त आपको यहाँ पे खाली ये बटन एक बार प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद यहाँ पे वायर जो है कनेक्ट करनी है। कुछ इस तरह से आपको दोनों वायर कनेक्ट करनी है। उसके बाद उसके आते हैं पीछे की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेन लीड वायर है, जो उसके ऊपर ब्लैक स्लीव चढ़ी हुई है वायर के सेफ्टी के लिए। बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है और स्पीकर को अंदर से कनेक्ट कर दी गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से ये स्पीकर डिज़ाइन किया गया है। अभी हम जो आपको दिखा रहे हैं वो MB12N351 इस स्पीकर का फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं प्रॉपर राउंड शेप में डिज़ाइन किया गया है। ये कोन पेपर है, आप देख सकते हैं कोन पेपर की क्वालिटी भी कितनी अच्छी है। और ये मैं आपको ये सस्पेंशन करके दिखाता हूँ कि सस्पेंस भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है।
बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है ये। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो येलो कलर में यानी कि पीले रंग में जो है ये स्पीकर का स्पाइडर है, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से स्पाइडर को ग्लू किया गया है। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।